जैन दोस्तों यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने गौरव सर ने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कमेंट किया था कि आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम यूपीपीसीएस का प्री टलने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है, ठीक है, 27 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू कमेंट किया। तो जब ये वीडियो बन रहा है तो अभी लगभग 265 कमेंट्स उस पर आए थे और उसमें लगभग 10% से कम लोगों ने वास्तव में मतलब ये माना था, स्वीकार किया था सच्चाई के साथ। हालांकि बहुत सारे कमेंट थे लेकिन 10% लोगों ने सच्चाई को स्वीकार किया कि उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही है। बाकी 90% लोगों ने स्वीकारा कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं चल रही है। ध्यान दीजिएगा, जब ये फॉर्म भराता है तो 7-7.5 लाख लोग के लगभग फॉर्म भरते हैं और असली जो फाइट होती है वही 50,000, 40,000, 50,000 जो कंटिन्यूटी के साथ बने रहते हैं उन्हीं के बीच फाइट होती है। अब आता रही है कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि 3.5 महीने बाद पेपर है, मैं अंतिम के 15-20 दिन 10-12 घंटे ये वाले वीडियो कर लिए तो इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, ये वाले वीडियो कर लिए तो इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ाई करके अपने टारगेट को कंप्लीट कर लूँगा। बाद में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, फिर आप बोलेंगे कि यार इतनी मेहनत की थी और रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं है। ध्यान दीजिए, आपके साथ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा जो है बेसिकली एप्टीट्यूड का पेपर है प्री, ठीक है, ये आपको इलिमिनेशन राउंड है ये। तो जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम लोगों ने एक वीडियो भी डाला था कछुए खरगोश वाली रेस की, तो उसमें हम लोगों ने बताया था, मतलब वीडियो क्या बताता है कि जो कछुआ लगातार है, निरंतर है, ठीक है, वो रेस जीत जाएगा। खरगोश आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, मैं अभी अंतिम दिन पढ़ाई कर लूँगा, तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि हफ्ते वाइज आपको अपने टारगेट्स बना के चलने हैं कि अगले हफ्ते मेरा इतिहास का पेपर है, अगले हफ्ते मैं ज्योग्राफी लगाऊंगा, उसके अगले हफ्ते मैं राजव्यवस्था कंप्लीट करूंगा। तो हफ्ते का टारगेट रखिए, टेस्ट खूब लगाइए, टेस्ट के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट लगा लेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हफ्ते का टारगेट रखा, प्लस उन कारणों को खोजना है आपको जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इस समय शादी विवाह का सीजन है तो हो सकता है आपको कहीं शादी वादी में कुछ आपको जिम्मेदारी दे दी गई हो, ठीक है, या मतलब कुछ भी आपके पास कारण हो सकता है, ठीक है, किसी मतलब दिन भर फोन पे बात कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी, ठीक है, तो उन कारणों को अपने डायरी में नोट डाउन करना है कि यार कल से मेरे जो दिनचर्या रहेगी उसमें इन कारणों की वजह से मेरी पढ़ाई में डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों को घर का काम होगा, तो सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर आप जाहिर सी बात है, जैसे कई बच्चे इसमें शिकायत कर रहे थे कि दिन भर घर के काम करते हैं, अगर आप इधर उधर घूमोगे तो माता पिता आपसे काम करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो उन लोग को भी समझाना, माता पिता को भी, भाई देखो अब मेरा 3.5 महीने का जो समय है वो एकदम क्रूशियल समय है और इस समय अगर मैं बहुत सही तरीके से लग गया तो मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेंस पे भिड़ने का समय आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3.5 महीने अब आपकी पढ़ाई का असली समय स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर रोज के टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, उनको पूरा कीजिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट के एनालिसिस करिए, ठीक है, एप्टीट्यूड पे काम करिए, प्लस उन कारणों को एलिमिनेट करिए जो आपकी पढ़ाई में बाधक बन रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे फायदा पहुंचा रहा है। जय हिंद।